गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। इसके अलावा हम देखेंगे 5 स्टॉक्स ऐसे जो हम आपको रेकमेंड करेंगे जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं और आप इन स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स के साथ। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 21,330, दूसरा सपोर्ट लेवल है 21,250, पहला रेजिस्टेंस है 21,500 और दूसरा रेजिस्टेंस है 21,650। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 47,630, इसके अलावा दूसरा सपोर्ट लेवल है 47,470, पहला रेजिस्टेंस है 48,000 और दूसरा रेजिस्टेंस है 48,230। चलिए अब देखते हैं 5 स्टॉक्स जो हम आपको रिकमेंड करने वाले हैं। इन स्टॉक्स को आप 7 to 10 डेज के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो आज के लिए सबसे पहला रिकमेंडेशन है ओआईएल। यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर है, बाय कर सकते हैं आप इस स्टॉक को 341 पर। स्टॉप लॉस 330 रख सकते हैं, पहला टारगेट 352 और दूसरा टारगेट 365 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 315 पर। स्टॉप लॉस 302 रख सकते हैं, पहला टारगेट 328 और दूसरा 340 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज NOCIL। यहाँ पर वॉल्यूम स्पॉट है तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 274 पर। स्टॉप लॉस 265 रख सकते हैं, पहला टारगेट 283 और दूसरा टारगेट 290 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज गोदरेज CPE ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 1050 पर। स्टॉप लॉस 1014, पहला टारगेट 1087 और दूसरा टारगेट 1125 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज हाइकल। यहाँ पर बुलिश रिवर्सल है, बाय कर सकते हैं 303 पर। स्टॉप लॉस 290, पहला टारगेट 316 और दूसरा टारगेट 328 पर रख सकते हैं। अब बात करें उन कॉल्स की जो हमने आपको रेकमेंड किए थे। सो VBL वेंट अप 3%, फर्स्ट टारगेट अचीव किया है और SCI वेंट अप 3%, इसने भी फर्स्ट टारगेट अचीव किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक्स इन न्यूज, जिसमें बात करेंगे आज RVNL, वरुण बेवरेजेस और एबिट इंडिया के बारे में। सो सबसे पहले है रेल विकास निगम लिमिटेड। ये इमर्ज हुआ है एज द लोएस्ट बिडर फॉर वर्काला शिवागिरी रेलवे स्टेशन इन केरला। द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर दिस रेलवे स्टेशन इज ₹124 करोड़। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस की बात करें तो वरुण बेवरेजेस अक्वायर करने वाले हैं 100% स्टेक इन द बेवरेज कंपनी साउथ अफ्रीका अलॉन्ग विद इट्स होली ओन्ड सब्सिडरीज फॉर ₹13.2 बिलियन। इसी के साथ वरुण बेवरेजेस ने एक MOU साइन किया है विद द झारखंड गवर्नमेंट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन पतरातू विद अ ₹450 करोड़ कैपिटल आउटले। इसके अलावा एबिट इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर मिस्टर विवेक कामत ने रिजाइन किया है विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 18th March। अभी के लिए इतना ही, कल मिलेंगे सेम टाइम पर 5 नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आपकी कोई भी फीडबैक या सजेशंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।